देखो मैं यहाँ पर मंदिर में जो है थोड़ा लेट के आना पड़ता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए भैया आ गए, हमारे भैया भी आ रहे हैं। देखो इतनी छोटी सी जगह है देखो, और इसके अंदर लेट के आना पड़ता है। और देखो चारों तरफ देख सकते हैं मंदिर का, और ये देखिए, और बहुत शक्ति है माता माता के मंदिर में। वैसे माता की तो माँ तो हमेशा शक्तिशाली रहती हैं। तो देखिए, और ये आपको मैंने मंदिर के दर्शन कराए, और आप भी ज़रूर आएँ मंदिर पे। आपको शायद पता नहीं हो इस मंदिर के बारे में, लेकिन आप भी यहाँ पर ज़रूर आएँ। और देखिए मैं आपको चारों तरफ से दिखा दिया है, अब थोड़ा हम भी पूजा कर लें माता की। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गंगा सागर ब्लॉग। और आप देख रहे हैं आज हम जो है मंदिर आए हुए हैं, कहीं आपको दिखाते हैं। ये प्राचीन वन शक्ति मंदिर है, और आपको भी हम दिखाते हैं यहाँ से। और अभी काफ़ी लोग दर्शन के लिए आए हैं। बच्चों हाय बोल दो, एक बार हाय बोल दो सभी लोग। हमारा एक ब्लॉग चैनल भी है, सभी लोग हाय बोलते हैं। हमारा एक ब्लॉग चैनल है, और देखो अभी मंदिर में दर्शन के लिए आए हुए हैं। और बेटा हाय बोल दो, हाय बोल दो मंदिर। हेलो बेटा, हाय बोल दो। और अभी हम जो है आपको दिखाते हैं, पूरे मंदिर का दर्शन कराते हैं। ये मंदिर की जो है एक विशेषता ये है कि ये पेड़ के अंदर है, ये बिल्कुल पेड़ के अंदर है मंदिर। और आपको हम दिखाते हैं, और कैसे पेड़ के अंदर है भी दिखाते हैं आपको उसको। भैया हाय बोल दो। देखो हम भैया के साथ ही आए हुए हैं अभी। और अभी देखो यहाँ से हमने प्रसाद साथ तो ले लिया है, और ये सामने देखो मंदिर दिख रहा है ना, ये पेड़ दिख रहा है, जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, इसी पेड़ की जड़ में देखो अंदर है मंदिर, सामने दिख रहा है। देखो अभी हम जाते हैं मंदिर में, जड़ के अंदर ही है। हाँ ये बिल्कुल जड़ के अंदर ही है, अभी दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर जो है, वैसे मंदिर में अंदर जो है गंदगी हो जाती है, इसलिए जाना थोड़ा अलाउ नहीं है। और अभी हम जा रहे हैं अंदर, और आपको दिखाते हैं अभी। ये वृक्ष की कौतूहलता है, माता के भवन जब गिरने लगा तो ये वृक्ष ने अपनी आगोश में लपेट लिया, भवन को बचा लिया। छत टूट गया था, इसके छत का जीर्णोद्धार अगस्त महीने से लेकर के नवंबर के बीच में छत हुआ और चोटी बनी। माता का बहुत बड़ा बल है, मेरे बस की कुछ नहीं है, सब इन्होंने करा लिया। और ये 70,000 रुपया लगा मिस्त्री का, और जो सरिया लगा, सीमेंट लगा, बालू लगा, उसकी कोई गिनती नहीं की है पंडित जी ने, वो अपने जो माता ने करा ली। बड़ो सच्चे दरबार की जय। ये चारों ओर से ये वृक्ष ने अपनी जड़ों से इस माता के भवन को बचा रखा। आज ये जंगल के बीच में था, इसके बाहर बाहर झाड़ी थी। जब इस सिरकुल की स्थापना सन 2000 में हुई, तब से यहाँ बैठने मिला, नहीं तो पंतनगर गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर की भूमि थी, यहाँ पर किसी को टिकने नहीं देते थे। और अब यहाँ जब सिरकुल आया तो ये साफ सुथरा हुआ। ये सन 2005 से आया, ये तीन वृक्ष आगे बने लगाए, उसके बाद में सब जालियों में आम बरगद पीपल नीम रुद्राक्ष महुआ ये आंवला ये सब वृक्ष लगा दिए। कल को चले जाएंगे दुनिया छोड़ करके, आगे पीढ़ी आएगी और जो है कि वो दर्शन करेगी। तो चलो जय, अब देखते हैं पंडित जी अंदर जाके। हम देखो आपको मंदिर के अंदर ले जा रहे हैं। तो देखो ये है, आप देख सकते हैं, देखो देखो आपको मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। देखो मैं जाता हूँ अंदर, अभी देखो अंदर जाना तो उसे इतना संभव हो नहीं रहा, मैं थोड़ा सा देख सकते हैं। इतनी छोटी सी जगह है, और देखो यहाँ ये शक्ति है देखो माता की, और यहाँ से अंदर जाना होता है। देखिए दरवाजा को कम कर दिया है, टेढ़े होकर अंदर जाते हैं, तीन चार लोग बैठ जाते हैं। अच्छा पहले बहुत था इसमें, तीन चार लोग उसके बाद पहले बहुत पूजा कर सकते हैं। पहले कई बार अभी अंदर पहले ये दरवाजा था पड़ा हुआ है, तो देखिए निकाला इसको दरवाजा को। तो काफी लोग अभी पूजा के लिए आए हुए हैं। आपको मंदिर के बारे में पहले से पता था क्या? बहुत पहले से मालूम है, पहले से पता है। 15-18 साल हो चुकी है। तो वैसे इस मंदिर की शक्ति के बारे में आपको क्या जानते हैं? वैसे आपको पता है आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हुई है। चलो ये हमारे मंदिर के पंडित जी यहाँ देख सकते हैं, पेटी में ही डाले। धन्यवाद, कृपया धूप बत्ती अगरबत्ती बाहर लगाएं, सभी भक्तजनों से प्रार्थना है, कृपया जयकारा लगाते रहे। बोलो शक्ति माता की जय, बन शक्ति मैया की जय। ये प्रतिवर्ष प्राचीन बन शक्ति मंदिर जो बैनर बना करके लगाया है, ये हर साल जनवरी में हर वर्ष, आज उनका 16 भंडारा हो गया 17, वो जो है कि 31 जनवरी को विशाल भंडारा था, ये बहुत भारी भंडारा होता है। आज कल भी भंडारा होगा, 30-40 हजार रुपए का भंडारा करेंगे, जो कमी नहीं होगी शाम तक चलेगा। 1 बजे से हलवा और पूरी सब्जी दाल चावल ये सब बनेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी बताने के लिए। मैं करता हूँ भैया अभी पूजा ना, मैं भी करता हूँ अभी, मैं थोड़ा सा एक बार आप करो, मैं फिर मैं भी करता हूँ। ये सीनरी लगाया, ये सब फोड़ा था, ये सीनरी 800 की 500 8 5 13 उधर भी यही लगा हुआ है। हाँ लगाया, हाँ बिल्कुल।
ये देखो हमारे गणेश जी भी हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, देखिए घर के बीच में दीवार है, घर के बीच में दीवार है, देखो ये देखो प्रत्यक्ष परमानंद, ये बताने से नहीं है, ये देखो जड़ के अंदर दीवार है, आप देख सकते हैं, देखिए कौतूहलता है, ये देखिए जड़ के अंदर दीवार है, देखिए और वो देखिए मंदिर का, वो देखिए पुरातत्व चीज है, हाँ बिल्कुल, कालम लगाया था इसके लिंटर रोका, हाँ बिल्कुल, वाला ने कहा निर्माण ना करना, मैंने कहा साहब टूट गया है बहुत बना दे, इसको बनाने में 24 घंटा मिस्त्री ने लगा रहा, ये देखो अंदर दीवार, ये जहाँ हमारा हाथ कहाँ है, ये दीवार है, चमक रही, देखो दीवार बिल्कुल चमक रही है, ये देखो ये दीवार है, ये दीवार है, यहाँ से देखिए दीवार है, ये जड़ के अंदर, जड़ के अंदर दीवार है, देखिए जड़ के अंदर दीवार बनाना बहुत ही असंभव कार्य है, देखिए पहले का ये भवन है, बहुत पहले का बना हुआ है, देखो ये असंभव कार्य को संभव हुआ है, देखिए यहाँ ये पुराना ये दीवार इतना फटा हुआ है, ये बच गिरने लगा तो वृक्ष के अपने ये भवन को बचा लिया, देखिए वृक्ष ने पूरे भवन को बचा रखा है, और ये मंदिर ये सब लगाने जा रहे हैं, ये हमारे आराध्य देव हैं बजरंग बली जी, इनको तो हम बहुत मानते हैं, जाओ बजरंग बली जी, अभी मैं करता हूँ पूजा बजरंग बली की भी, ये पुराना पलस्तर ये है आपका, अच्छा अच्छा, ऐसे जाली यहाँ थी, अभी शीशा लगवाया शिवरात्रि के एक दिन पहले, ये छोटी बनी, अभी इसके बाद नहीं चली, टीना लगाएंगे, टीना लगा करके ये सब छाया, जहाँ खड़े हो सब छाया करेंगे, चिड़िया चट्टी न करे, गंदगी ना फैले, मेरा तो सतत प्रयास रहता है कि मैं इसको संवारता रहूं, अब देखिए ये यहाँ तक लगाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 18,000 रुपए, यहाँ पर भोलेनाथ और माता पार्वती का है, देखिए ये सब जाली थी, अभी काट के निकाला हूँ, ज्यादा, और यहाँ पर फिर बजरंग बली जी क्या है, देखिए, और यहाँ पर जो है राधा कृष्णा जी हैं, राधा कृष्णा जी यहाँ पे, सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी, और यहाँ पर देखिए फिर सीता राम, और ये देखिए हनुमान जी, और ये देखिए सीता राम हनुमान जी लक्ष्मण सभी लोग हैं यहाँ पे, सभी देवी देवता हैं, यहाँ पर देखिए माँ काली का है, देखिए माँ काली, मत खोलो, अच्छा, लॉक है वो, अच्छा अच्छा, नहीं लॉक करोगे तो मुंह में ठूस देंगे प्रसाद, चलो आपको दिखा दिया हमने पूरा मंदिर के दर्शन करा दिए हैं, ये दीवार के अंदर देखिए, घर के अंदर दीवार, इस साइड में देखो दीवार है, चल के देखो, ये जो है ये दीवार है पूरी, देखिए ये भी दीवार है, इसको अपने हाथ से लगाया ये कलश सन 2006 में, ये चलो ये इधर भी दीवार है, ये देखो यहाँ मेरा हाथ है, यहाँ तो हमने आपको दिखा दिया पूरे मंदिर के दर्शन कराए हैं, और अगर आप जो है थोड़ा जानकारी दी, महाशिवरात्रि को तो अपार भीड़ थी, अच्छा अच्छा, बहुत भीड़ थी, था यहाँ, अच्छा, उस दिन कोई घुस नहीं पाते थे, अच्छा थोड़ी देर घंटे बाद फिर भीड़ हो जाएगी, मतलब डेली यहाँ पर ऐसी रहता है, कल आइएगा संडे मंडे वाले दिन ज्यादा भीड़, कल आना भंडारा है, अच्छा कांवर जो लेने गए थे भंडारा ज्यादा लोगों का, अच्छा लोगों का भंडारा है, उसमें मैं भी जो होगा सहयोग 10 किलो 5 किलो आटा देने का संकल्प है, और जितना भी अभी कांवर वालों को दिया 5,000 तो जो है कि कुछ में घट रहा था, पंडित जी यहाँ पे भंडारा कौन करता है, भंडारा भगत लोग आते हैं करते हैं मंदिर की भी तरफ से, दोस्तों आपको बाहर का नजारा भी दिखा देता हूँ मैं, देखिए अभी पंडित जी ने यहाँ पे पेड़ भी लगाए हुए हैं, पंडित जैसा कि आपने पंडित जी के मुंह जवानी सुनी यहाँ पे, पंडित जी ने भी पेड़ लगा रखे हैं, देखिए कितना बड़ा वृक्ष है, देखिए इस यहाँ का नाम ही जो है मंदिर का नाम ही आपने सुन लिया होगा, और यहाँ पर देखो बाहर से भोलेनाथ जी हमारे, देखिए ये भोलेनाथ जी का है, और आगे देखिए शिवलिंग है हमारे भोलेनाथ जी का, एक शिवलिंग और है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस पेड़ के नीचे भी देखिए, यहाँ पे आस्था हमारी, देखो हमारे हिंदू धर्म की आस्था है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पर महाराज शनि महाराज की जय हो, शनि महाराज का है, और आप देख सकते हैं, और अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो है काफ़ी पेड़ भी लगाए हैं पंडित जी ने, आम का पेड़ भी लगाया हुआ है पंडित जी बता रहे थे अभी, और भी फल फ्रूट के पेड़ लगाए हुए हैं पंडित जी ने यहाँ पे, तो बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है हमें आके, आज यहाँ पे खुश हो गए, वो देखिए सामने देखिए जो जाली में लगा रखे ना ये सारे आम के पेड़ हैं, और पंडित जी बोल रहे हैं कि इसमें फूल भी आ रहे हैं, फूल भी आते हैं, तो आप पंडित जी आप देखते हैं हम जाके, देखिए मंदिर के ऊपर के दर्शन कर आए थे, और आप जितने दूर से माता के दर्शन करेंगे ना, जितने दूर से आप जितने दूर आएंगे तो माता उतने आपके पास आएगी, एक चीज ये भी है मंदिर का यहाँ पे, और पेड़ के अंदर है देखिए माता, और अभी हम जो है आते वक्त तो वीडियो बना नहीं पाए, लेकिन हम वापसी का जो है वीडियो बना रहे हैं, और आपको दिखाते हैं कि आपको मंदिर कहाँ कहाँ पर, आपको कहाँ कहाँ से रास्ते से आना है, और क्या क्या बीच में पड़ता है, ये सभी चीज़ों का हम आपको बीच में बताएंगे, ये देखो आपको मैं पहले तो मेन रोड पर ले जाता हूँ, ये मेन रोड पर ले, ये देखिए ये सिटकुल के पीछे का एरिया है, और इसमें देखो लिखा भी गया, देखिए ये देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए ये मेन रोड से जो है ये थोड़ा अंदर गए, और ये सिटकुल का पूरा जो है पीछे साइड का एरिया है, देखिए ये देखिए यहाँ पर जो है आगे से दीवार भी है, और यहाँ से हमें सीधा जाना है आगे,
और आपको अभी हम दिखाते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से होते हुए आना है, दिखाते हैं आपको। तो देखिए आप, अभी हम जो है ग्रीन पैनल कंपनी है सामने और यहाँ पर आ गए हैं। और ये देखिए आपको इसकी फोटो भी दिखा रहा हूँ मैं, देखो जूम करके दिखा देता हूँ। और इसी कंपनी जो ये कंपनी है, इसी से आपको जो है सीधा चलते रहना आगे को, ये सीधा रोड से आगे चलते रहना है। और आगे मैंने आपको जो है दिखाया था, वहाँ पर जो है टावर भी है, बिजली का मतलब बड़ा टावर है, वहाँ पर पोल है। और हमें कौन सी रोड से आना है आगे बताइए जरा। और हम लोग का जो ये मेन नैनीताल, जो रुद्रपुर नैनीताल जो मेन हाईवे रोड है, उस रोड से जो रास्ता चिटपुर के अंदर आ रहा है, बस आप सीधे एकदम चले जाइए इस रोड के ऊपर, और सामने ही आपको ये ग्रीन पैनल की कंपनी पड़ेगी। वो रोड एकदम सीधे गई है। और देखिए आपको किसी रोड, देखिए खूब ऊंचा था, एक पेड़ दिखाई दे रहा हूँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बस वही पेड़ मंदिर जो है, बहुत बरगद पेड़ है, उसी में मंदिर वो स्थित है वहाँ पे। तो आप समझ गए होंगे, देखो ये ग्रीन पैनल कंपनी है। और मैं आपको थोड़ा आगे का भी दिखा दूंगा अभी, अगर आपको मेन रोड से भी आपको बताएंगे कि मेन रोड से कहाँ से आपको टर्न करना है अभी मेन रोड। तो दोस्तों अभी हम जो है पहुंच गए हैं, देखिए मेन रोड पे। और मेन रोड पे पहुंचने के बाद आपको हम बता दें कि आपको कहाँ को जाना है। ये बगल में देखिए मेडिकल कॉलेज है बगल पे, और इसके बगल में सरकारी हॉस्पिटल है। और सरकारी हॉस्पिटल आप जैसे अगर रुद्रपुर की तरफ को आते हैं तो पहले आपको मेडिकल कॉलेज पड़ता है, पहले सरकारी हॉस्पिटल पड़ता है, फिर मेडिकल कॉलेज पड़ता है, उसके बाद आपको उसके जस्ट आगे वाली जो रोड है उससे अंदर कट जाना है। और कटने के बाद आपको मैंने जो बताई थी कंपनी ग्रीन प्लाई ना, ग्रीन पैनल कंपनी है, जो उस कंपनी तक पहुंचना है। उससे थोड़ा सा आगे आपको जो है जो पेड़ दिखता है, ये रोड देखो सीधा जा रहा है सामने, और ये मेन रोड है देखिए। और ये बगल में जो दिख रहा है, देखिए ये जो दिख रहा है, ये अपना जो है सामने, यही अपना जो है मेडिकल कॉलेज है, ये देखिए मेडिकल कॉलेज है। और इसी के बगल से होते हुए रास्ता जा रहा है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सामने, और अगर आप रुद्रपुर से आते हैं तो देखिए सामने, देखिए इंडियन ऑयल का है, देखिए पेट्रोल पंप है सामने। और आपको दिखाई दिया मैंने यहाँ का पूरा नज़ारा, तो आपको जो है जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी आपको बता देगा आगे, हर किसी को बताया मंदिर के बारे में, और लेकिन एक बार आएँ जरूर मंदिर में और दर्शन करके जाएँ। और यहाँ आने के बाद आपकी सभी मनोकामना जरूर पूरी होगी, क्योंकि मंदिर में हर किसी की मनोकामना पूरी होती है, ऐसा यहाँ की मान